दिबियापुर विधायक प्रदीप यादव हिरासत के बाद पहुंचे मधुबन होटल अजीतमल में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अजीतमल कार्यकर्ता और व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने मधुबन होटल पर प्रदीप यादव से की मुलाकात। खोरैया जनपद की सीमा के बाहर पैतृक आवास भर्तना घर तक खोरैया क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार मैं पुलिस फोर्स के छोड़ने जाएंगे। नहीं, पुलिस क्या छुपाना चाहती है, पुलिस को क्या दिक्कत थी कि पीड़ित पक्ष से हम लोग मिलने जा रहे थे और जहाँ इतनी बड़ी घटना हो जाए संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। एक माँ बेटी दोनों जलकर ख़त्म हो गए और प्रशासन के सामने जहाँ पुलिस भी मौजूद थी, अधिकारी मौजूद थे, लेखपाल कानून को तहसीलदार और SDM मौजूद थे और ऐसी जगह पर ऐसी घटना हो जाए, इसका मतलब लोग संवेदनशील अधिकारी नहीं है। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी ने पार्टी के कुछ लोगों को नामित किया था और एक समिति बनाई थी कि आप लोग वहां जाके पीड़ित पक्ष से मिले और क्या सत्यता है उस घटना की सही जानकारी करके फिर ऊपर रिपोर्ट देनी थी। तो वहां हम लोग जा रहे थे जबकि मुझे पता भी नहीं था, ज़्यादातर विधायक लोग वहीं के, यहाँ किसी को नहीं पता था। सुबह ही लेटर मिला हमें, सुबह हम एक कार्यक्रम में थे, उसके बाद सीधे अभी कानपुर के लिए निकले तो बकेबर जैसे ही क्रॉस हुए तभी अधिकारियों के फ़ोन आने लगे। तो बोले कहाँ जा रहे, तो हमने कहा जा रहे हैं जरा काम से, लेकिन हमें नहीं पता चला, पता नहीं कहाँ से लोकेशन मिली और औरैया हाईवे पे ऊपर पुल के ऊपर वहाँ सारा फोर्स इकट्ठा खड़ा मिला। वहाँ से हमें इन लोगों ने अपने उसमें ले लिया, अलग हम वहाँ धरने पर बैठ गए। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, हमें उस पीड़ित पक्ष से मिलना है, लेकिन सारे अधिकारी वहाँ से हमें कैंप कार्यालय ले गए और फिर कैंप कार्यालय से कौन सा डाक बंगला है, देवकली डाक बंगला ले गए और देवकली डाक बंगले के बाद भी हमें वहाँ नहीं जाने दिया, जबरदस्ती पुलिस हमें घर छोड़ने जा रही है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अब पार्टी जब कहेगी, चूँकि प्रशासन ने भी आज ये कहा कि अभी थोड़ा गर्म माहौल है, एक दो दिन में आप चले जाना, अगला कदम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा बताएंगे वैसा करेंगे।